हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैयद दत्ता। मैं आज आप तो सिखाऊंगा कि सीएम कैसे बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग तो सीएम तो वोट नहीं देते, लेकिन सबको ही तो सुना होता है कि हम लोग ने ना योगी सरकार तो छिताया है। तो वो कैसे छपते, हम लोग तो सीएम तो वोट नहीं देते। तो हम लोग देखो क्या करते हैं, हम लोग विधायक तो वोट देते हैं। विधायक तो आप वोट देते हैं। विधायक मतलब कि राज्य में MLA और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। तो हम ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली मतलब कि सर MLA है, उसे तो हम लोग वोट देते हैं। तो शायद ही हिमाचल प्रदेश है, आप दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश तो मैं मालूम होगा ऐसे। ये हिमाचल प्रदेश तो हर एक स्टेट में स्टेट तो डिवाइड कर दिया जाता है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूटी में, कॉन्स्टिट्यूंसी इनमें डिवाइड कर दिया जाता है। चाहे जी हिमाचल प्रदेश तो 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया जाता है। तो चाहे जी एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, जरूरी नहीं दोनों सबको ही 80 बराबर हो। कोई ये ना इतना बड़ा होता है देसी जी ये, और कोई इतना छोटा होता है, कोई इतना भी छोटा हो सकता है। तो ऐसे 68 सीटों में बांट दिया जाता है, ठीक है, ऐसे कर करते थे 68। अब देखिए 68 सीटों में 68 मतलब कि MLA चुनाते हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी होता है उसमें वोट होता है। वोट मतलब कि चाहते थे मान लो यहाँ ये सो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनमें भी वोट होता है, इसमें भी वोट होता, और इन सब में एक MLA चुना जाएगा। जैसे करते थे सब 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में बताए, तो मतलब 68 MLA निकलते हैं इन्हें। अब वो MLA से ही CM बनता है। MLA से CM कैसे, तो चाहती थी आपने पार्टियों के नाम सुने होंगे, BJP, BSP और भी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, और भी चाहती थी, और भी पार्टी चाहती थी, क्या ले ले जी, हम ले लेते समाजवादी पार्टी ऐसे, आम आदमी पार्टी, और भी ETC। अब मान लो ये सब है ना 68 कॉन्स्टिट्यूशन में बता हुआ, तो 68 MLA निकलते हैं। अब मान लो बीजेपी जो है 33 मेंबर, BSP जो है 2 मेंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस से 17 मेंबर, 17 दिन होते 50 बावन, अब 15 मेंबर समाज वाली पार्टी थे, आम आदमी पार्टी तो मिला 8। तो इसमें सबसे ज़्यादा वोट टिकते हैं, अब देखता तो बताया, तो ये BJP थे, तो मतलब कि BJP सरकार सीट दई, क्या सीट दई, BJP सीट दई। अब BJP है ना सो अपने आप से डिसाइड कर लेती थी कौन ना CM बनेगा, और सबको ये ना राजी हो जाते उस CM के लिए, तो वो बन जाता है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में शिवराज, हिमाचल प्रदेश में कोई CM बन गया ऐसे, कहते थे MP में बन गया कमलनाथ, ETC, ठीक है, कैसे।
तो इस तरह सीएम बनते हैं। लेकिन ये सब बीजेपी तो बन गए माना, तो ये बीएसपी ये सब क्या कह रहे, इन लोग तो कोई काम नहीं रहता। नहीं, इन लोग तभी काम होता है। ये तो बीजेपी हुई है, वो कराई थी विनिंग पार्टी, चीटी हुई पार्टी। चीटी तो रही है, वो तो चीट आते उसे बिनी तो कहते हैं। और इन लोग तो कहने अपोसिएशन पार्टी, ठीक है, अपोजिशन पार्टी, ये बीएसपी आईएनसी ये सब सत्ता। अब ये मैंने आप तो बता दिया कि सीएम कैसे बनते हैं। अब हम आप तो बताएंगे कि सीएम क्या करता है बाद में। सब ये सब हो जाता है तो बिन पार्टी बीजे फिर से तहत मान लो बना दिए योगी आदित्यनाथ तो बना दिया, ठीक है, मतलब कि यूपी थे उधर, तो यूपी से योगी आदित्यनाथ बन रहे। अब योगी आदित्यनाथ क्या रहेंगे, मिस्टर योगी आदित्य वो क्या रहेंगे, क्या रहते हैं वो अपने ही बीजेपी से ही बाकी मेंबर्स बट्टे मेंबर बचे हैं। वो बट्टे मेंबर में कुछ तो है ना, 10 मेंबर तो मान लो वो 10 मेंबर तो बना देता, वो मिनिस्टर ईटीसी कोई भी मिनिस्टर बना देता था, जैसे रेलवे मिनिस्टर ये सब ईटीसी तो ये सब बना देता, ठीक है। अब सब सीएम बनता है तो गवर्नर होता है देश का, गवर्नर से होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एड मतलब कि क्या लाभ बने ने वो सब है ना गवर्नर ही देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एड। और सीएम होता है ऐसे ही, सीएम सभी का एड होता है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू होता है। तो गवर्नर क्या करता है, सीएम तो शपथ दिलवाता है, एक डीटा की बुक एक बुत होती है उसके ऊपर 8 अक्षर कहते हैं कि कसम जाओ तेरे मैं तुम अपने देश के लिए क्यों दे, ठीक है, हमारे लिए अच्छी तरह से लूल करोगे। अब ये सब हो गया, अब ये सब बाकी अपोजिशन पार्टी रहती आती है। अपोजिशन पार्टी मान लो थी ना ये बीजेपी है, बीजेपी ने एक फैसला किया, ठीक है, ट्रैफिक लूल है, जो भी ट्रैफिक लूल है उसे स्थित तरह दी, मतलब कि उसे ना स्थित तरह दी, उसे तरह दी मतलब कि ना और ज़्यादा पकड़ में लाना। तो ये भी अपोजिशन पार्टी तो बुरा लगा, अपोजिशन पार्टी कह रही कि तुम क्या कि ऐसे तो लूल तोड़ लेते, ये ना मानो दूसरा कहते थे चाची जी, कहते थे ले लेते चाची जी, एक गांव में पानी नहीं आ रहा बहुत देर से, मतलब पानी तो हम लोग गवर्नमेंट पैसे ले रही है लेकिन पानी नहीं आ रहा, तो बहुत बार कंप्लेंट पहुंची है, तो वो कंप्लेंट है ना, कंप्लेंट पहुंची है। तो ये अपोजिशन पार्टी क्या करती है, वो है ना बीएसपी ये सब लोग बीजेपी से सवाल पूछे देती है ना, क्यों नहीं हो रहा काम, ये सब फला ये सब, ठीक है, ऐसा इसलिए देती है ना। अरे मान लो अरे कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं है, कोई भी मान लो अपोजिशन पार्टी नहीं है, तो ये सब बीजेपी है, वो पूरा अपना दबदबा बना देता, वो जैसा मर्जी हो वैसा गलत काम कर सकता है। और इन लोग तो सवाल पूछने का अर्थ है, और ये बीजेपी तो सवाल का आंसर देना होगा, जो भी विनिंग पार्टी होती है, ठीक है, ऐसे यही काम होता है सीएम तो। अगर आप तो भी सीएम बनना है तो आपको एमएलए चाहिए।